बदल गई किलोग्राम की परिभाषा। 20 मई से लागू होगा नया भार मानक। बड़े काम की है जानकारी। पेरिस के वर्साय में किलोग्राम की नई परिभाषा तय करने के लिए 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने मुहर लगाई है। इसे 20 मई 2019 से लागू कर दिया जाएगा। अब किलोग्राम बहुत छोटे अचल भार के जरिए परिभाषित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए प्लैंक कांस्टेंट का प्रयोग किया जाएगा। इस नई परिभाषा के लिए वजन मापने का काम एक नया तराजू करेगा, जिसे कीबल नाम दिया गया है। इस नए मानक में प्लैटिनम इरिडियम के सिलेंडर को आधार नहीं माना जाएगा, यह प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर काम करेगा। क्वांटम फिजिक्स में प्लैंक कांस्टेंट को ऊर्जा और फोटोन जैसे कणों की आवृत्ति के बीच आपसी संबंध से तैयार किया जाता है। इसे समझने के लिए, जैसे 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यह वो लंबाई है जो निर्वात में प्रकाश की किरण की प्रति सेकंड रफ्तार के 1,29,97,92,548 समय में तय करती है। इसी तरह किलोग्राम का वजन भी तय किया जाएगा। नए मानक के बाद कोई भी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है। इसके बाद पेरिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी चीज की जरूरत है जो अधिक स्थायी हो। एक हफ्ते तक चली बैठक के बाद इस पर निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स की बैठक में दुनिया के सभी देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। बैठक के दौरान इन लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉनिक किलोग्राम के नाम से भार का नया आधार तैयार किया गया है। बता दें कि इससे पहले साल 1967 में समय की इकाई सेकंड को भी दोबारा से परिभाषित किया गया था, क्योंकि संचार की दुनिया में इसकी वजह से GPS और इंटरनेट जैसी तकनीकों के लिए आसान बनाना संभव हुआ है।